नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। चोपड़ा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जी हां, घायल को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, आगरा निवासी कपिल पुत्र भगवान स्वरूप थाना नारकी क्षेत्र के गाँव कल्याण गढ़ी ससुराल आया था। जहां मंगलवार सुबह वह वापस लौट रहा था। उसकी बाइक पर पीछे साला विपिन बैठा हुआ था, जबकि उनके साथ स्कूटी पर भाई राहुल और बेटी 10 वर्षीय तनिषा थी। अभी वह पचोखरा क्षेत्र के प्रकाश होटल के समीप पहुंचे ही थे कि सुबह करीब 9:15 बजे सामने से आ रहे ट्रक ने बड़ी जोरदार टक्कर मार दी। जहां हादसे में बाइक सवार चालक की मौत हो गई। कपिल की मौके पर ही, आपको बता दें, दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साले गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मौके पर पचोखरा पुलिस समेत काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक की मौत के बाद पत्नी निशा और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। भैया, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ से निकल रहे थे, क्या हादसा हो गया ये? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश यादव है, मैं इटा का ही रहने वाला हूँ जी। मैं जब यहाँ से निकलना था तो पता चला यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जी। रुकने पे पता चला कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में था और एक मृतक हो चुका था। अच्छा। उनका भाई वहाँ पे खड़ा था, साथ में उनकी बेटी थी। जैसे ही हमने देखा, हमने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा के उन्हें यहाँ से सरकारी अस्पताल भिजवाने की तुरंत सुविधा की और कोशिश की है कि शायद वो बच जाए, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छा। अच्छा, सुना आपने अपनी गाड़ी से भेज दिया उसको? जी जी। अच्छा, हमने रुकवा के, हाँ, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी से भेजा है और मुझे लगता है मानवता के नाम से ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको।